तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 135, 136, 137 का एक्सप्लेनेशन। तो आगे का पार्ट भी जरूर देखिए। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे नारुतो को लेके जा रहे होते हैं, तभी नारुतो को होश आ जाता है और नारुतो बोलता है सास्के कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि सास्के नहीं पता। तभी वहाँ पर मेडिकल निंजा आते हैं और बोलते हैं कि नारुतो उज़ुमाकी की हालत कैसी है। तो वो बोलते हैं कि अभी तो ठीक है। तभी एक निंजा बोलते हैं कि सास्के उचिहा कहाँ है। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे मुंडी हिला के नहीं बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमने सभी लोग को रेस्क्यू कर लिया है और शिकामारु को ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर यहाँ पर नेजी और जो चोजी है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। उनकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और वो बोलते हैं कि उनकी डेड भी हो सकती है, इतनी ज़्यादा हालत खराब है। तो यहाँ पर नारुतो को खोलता है तो उसे याद आता है कि जैसा सभी लोग ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया सास्के के लिए। तो यहाँ पर चोजी का इलाज चल रहा होता है और चोजी के अंग पर बहुत सारी जुत्सु लिखी हुई पट्टी बांधकर लेडी जुनाटे यहाँ पर इलाज कर रही होती है और वो नोरा क्लैन की दवाइयों का इस्तेमाल कर रही होती है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बुक पढ़कर जितनी भी अपनी मेहनत से दवाई बनाने की कोशिश करती है और वो चोजी को बचाने की करती है। तो यहाँ पर कीबा भी ठीक रहता है, कीबा को तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर कीबा को ज़्यादा चोट नहीं आती है। तो उसकी बहन को वो बोलता है कि अकमारू कैसा है। तो उसकी बहन वहाँ जानवरों की डॉक्टर रहती है। तो वो बोलती है कि अकमारू तो अभी फ़िलहाल ठीक है और उसको बहुत ज़रूरत आराम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वो बोलती है साथ ही साथ तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आराम की, और वो बोलती है तुम्हें यहाँ पर आराम करना होगा। तो यहाँ पर जो स्टार बना के ये लोग नेजी का इलाज कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक मेडिकल निंजा बोलता है कि हम 3 घंटे से लगातार ही यहाँ पर नेजी की अपनी पोजीशन चेंज करके इलाज कर रहे होते। तो शिजुने बोलती है कि तुम लोग अभी अपनी पोजीशन चेंज करो। और वो लोग यहाँ पर जो नेजी का घाव रहता है जो वो निंजा मारता है उसको भरने की करते हैं। तो यहाँ पर शिकामारू बाहर बैठे हुआ रहता है ऑपरेशन थिएटर के और वो सोच रहा होता है कि चोजी ठीक रहेगा कि बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर टीमारी बोलती है कि तुम्हें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है वो लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर वो लोग को मैं फोर्स नहीं करता तो वो लोग ऐसे हालत में नहीं रहते। और यहाँ पर चोजी का इलाज चल रहा होता है और वो बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं इतना ख़राब लीडर था तभी ये सब हो रहा है और मैंने ही ये सब किया हूँ। तो यहाँ पर टीमारी बोलती है कि सब लड़के ऐसे ही रहते हैं, सब लड़के अपने ऊपर ही ले लेते हैं, क्या मालूम क्यों ये सब लड़के ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि ये मेरी गलती है, मुझे लगता और निंजा नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपनी निंजा की पोस्ट से दरख्वास्त देता हूँ। और वो वहाँ से चले जा रहा होता है और यहाँ पर उसके डैड खड़े कर ये सब सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि हे शिकामारू, वो बोलते हैं कि अगर तुम ये सब छोड़ भी दिए, तुम निंजा बन के निंजा छोड़ भी दिए तो तुम क्या कर लोगे, ये मिशन तो कंटिन्यू चलते रहेंगे और तुम्हारे दोस्त ये मिशन कर रहे होंगे और वो लोग तुम्हारे बिना ही मर जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम और अच्छे बनो और तुम्हारे दोस्तों को भी और ट्रेन करो कि अगली बार तुम लोग ऐसे खाली हाथ ना आओ और तुम लोग हर बार की तरह अच्छे से आओ। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा कोई अटैक खाली ना जाए। और वो बोलते हैं कि जो टीमारी बोल रही है वो बात सच है। तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और लेडी सुराटे बाहर आके बोलती है कि चोजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, चोजी बच गया है। और वो बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और वो शिकामारू के डैड को बोलती है शुक्रिया, क्योंकि नोरा क्लैन की दवाइयों की वजह से ही तो चोजी बच पाया है। तो यहाँ पर जो शिकामारू के डैड रहते हैं वो बोलते हैं ये मेरा फर्स्ट था लेडी सुराटे। तो यहाँ पर शिशु ने भागते हुए आती है और वो बोलती है कि नेजी ठीक हो गया है, नेजी का इलाज बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और वो बोलती है कि नारुतो उज़ुमाकी भी आ गया है और साथ ही साथ कीबा भी बच गया है, सभी बच गए। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम्हारा मिशन फेल हो गया है शिकामारू, और तुम अपने मिशन में फेल हो गए। और यहाँ पर वो बोलती है इससे बड़ी बात यह है कि तुम सब जिंदा वापस आए हो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और यहाँ पर शिकामारू रो रहा होता है और वो बोलते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, हम अपना मिशन पूरा ही करेंगे। और यहाँ पर सास्के पहुँच जाता है ओरोचिमारू के पास और वो बोलते हैं कि मुझे आपको कितना टाइम लगेगा मुझे शक्ति देने में। और तो यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो बोलता है कि तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत। तो यहाँ पर काबुटो बोलता है कि
तुम ओरोचिमारू के सामने ये सब नहीं बोल सकते, तुम उनके सामने चिल्ला नहीं सकते हो। तो तभी सास्के काबुटो को घूर कर देखता है और काबुटो चौंक जाता है और वो बोलते हैं कि इसका चाकरा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे यही तो पसंद है, मुझे ये पसंद है और मैं इसकी बॉडी लेकर रहूँगा। और यहाँ पर नारुतो जो हमारा रहता है वो एकदम मम्मी जैसा बन जाता है और वो उठ के यही सोच रहा होता है कि मैंने सकुरा को वादा दिया था। और सकुरा रो रही थी और उससे बोली थी कि तुम ही सास्के को वापस लेके आ सकते हो और मैंने ही उसे वादा दिया था कि मैं नारुतो उज़ुमाकी मैं सास्के को लेके आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उतने में यहाँ पर शिकामारू आता है, वो बोलता है नारुतो कैसे हो। तो यहाँ नारुतो बोलता है शिकामारू तुम मुझे देखने आए हो। तो यहाँ पर इनो और सकुरा भी आते हैं हॉस्पिटल में और वो लोग सास्के को और या फिर नारुतो को देखने आते हैं। तो यहाँ पर सकुरा बोलती है या सास्के को तो मैं सास्के और नारुतो दोनों को साथ में देखूंगी या नारुतो को। और यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे मिशन में, क्या हुआ आगे हुआ क्या। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, मैंने सास्के से फाइट करी, मैंने उसको इतना समझाया पर वो नहीं ज़रा भी नहीं रुका, वो चले गया। और ये सब सकुरा बाहर खड़े रहकर सुन रही होती है जो नारुतो बोल रहा होता है शिकामारू को। और वो ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो अचानक से ही रोना शुरू कर देती है और वो बोलती है सास्के सास्के नहीं रहा। तो यहाँ पर इनो बोलते हैं कि चोजी कैसे है। तो उसके डैड बोलती है कि चोजी तो अभी ठीक है। तो यहाँ पर इनो बोलती है कि हाश चोजी ठीक है, मुझे तो लगा था कि चोजी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होगा। तो चोजी के डैड बोलते हैं कि हमें शुक्र मानना चाहिए लेडी ज़ुनाटे का, क्योंकि वो नहीं होती तो चोजी नहीं बचता। तो यहाँ पर सकुरा रो रही होती है और वहाँ पर लेडी ज़ुनाटे आती है और वो बोलती है कि तुम अपने दोस्त नारुतो को नहीं देखोगी। तो यहाँ पर वो नारुतो को अंदर सकुरा आती है और यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे बोलती है कि तुम ज़्यादा जख्मी लग रहे हो। तो नारुतो बोलता है कि सकुरा मैंने सास्के को बचाने की पूरी कोशिश करी, मैंने बहुत रुकने की करी पर वो नहीं सुना मेरी और उसने मुझे मारकर चले गया। तो यहाँ पर सकुरा खिड़कियों के पास आती है, वो पर्दे हटाती है। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि सकुरा मेरी बात सुनो, मैंने सच्ची में बहुत कोशिश करी, मैंने उसको रोकने की करी पर वो ज़रा भी नहीं रुका, मैं क्या करता, मैं उससे लड़ भी नहीं सकता था इसीलिए मैं। पर वो बोलते हैं कि मेरा वादा तो वादा है और वो बोलते हैं कि मैंने वादा किया था सास्के को लेके आऊँगा और ये मैंने पूरे ऐसा नहीं बोला था कि मैं फ़ौरन लेके आऊँगा, ये वादा मेरे मरने तक रहेगा। और वो बोलते हैं कि मैं सास्के को लेके आऊँगा चाहे ये कुछ भी हो जाए, ये एक निंजा का वे है। और यहाँ पर सकुरा हंसती है नारुतो को देखकर और यहाँ पर नारुतो सोया हुआ रहता है और उतने में ही वहाँ पर आवाज़ आती है। तो यहाँ पर नारुतो को जैसे ही आवाज़ आती है वो पर्दे हटाते हैं और वो देखते हैं तो बाहर मास्टर जिराया रहते हैं और वो अपने फ्रॉक के ऊपर रहते हैं और वो बोलते हैं कि नारुतो तुम कैसे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आया हूँ, मैंने सुना कि तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि नारुतो हमारे पास सिर्फ 3 साल हमें ट्रेनिंग पूरी करनी होगी क्योंकि मुझे खबर मिली है कि अकात्सुकी तुम्हारे पीछे पड़ी है और वो 3 साल के अंदर तुम्हारे जो अंदर 9 टेल का फॉक्स है वो लेकर रहेगी। तो नारुतो सोचते हैं अकात्सुकी, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें 3 साल के अंदर पूरा एक निंजा बनना होगा और अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि नहीं मुझे सास्के को बचाना है, ओरोचिमारू ने उसे लेकर गया है और मुझे पता है। और वो किमीमारू की बात याद करता है जब किमीमारू बोलता है कि ओरोचिमारू उसको बॉडी लेने वाला है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं रिसर्च नहीं कराऊंगा, मुझे सब पता है। और वो बोलते हैं कि जब सास्के की बॉडी जा रही थी तो सास्के की बॉडी पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इसी वजह से ओरोचिमारू ने दूसरी बॉडी ले ली और ये कारण की वजह से ओरोचिमारू 3 साल तक कोई और बॉडी नहीं ले पाएगा और इसीलिए सास्के बच जाएगा और 3 साल तक और ओरोचिमारू को रुकना पड़ेगा 3 साल के लिए। तो यहाँ पर नारुतो सुनते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आप जो बोल रहे हो सच है, 3 साल तक सास्के को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, उसको कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ओरोचिमारू ने पहले ही बॉडी ले लिया है। तो नारुतो बोलते हैं कि टोबी फिर भी मेरा दोस्त है सास्के, मुझे उसे बचाना है, मैं सास्के को बचा के रहूंगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं चुप बैठो, वो तुम्हारा दोस्त है, तू अपनी हालत देखो उसने तुम्हारी हालत क्या कर दिया है। और तभी मास्टर जिराया पुराने समय में सोचते हैं और मास्टर जिराया को यहाँ पर ओरोचिमारू मार रहा होता है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओरोचिमारू बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें लगता है पर मुझे नहीं लगता है। और ओरोचिमारू मास्टर जिराया की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए और वो उनको मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। और वो बोलते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो कि तुम सास्के को बचाओगे तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज़रा सी भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा और तुम्हें फिर खुद से ही सब करना होगा। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक ब्लैक ऑप्स भेज दूंगा, फिर तुम्हें जो करना है वो करो और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। बोलते हैं कि हमारे पास 3 साल है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी। और वो बोलते हैं कि तुम अभी भी बच्चे जैसे हो और तुम्हारी ये बच्चे वाली आदत छोड़नी पड़ेगी, ये हमें बहुत भारी पड़ेगी। तो यहाँ
पर नेरुटो बोलता है कि तो ठीक है मैं अपनी ये सब आदतें छोड़ दूंगा और मैं 3 साल के अंदर एक महान निंजा बन जाऊंगा। और यहाँ पर मास्टर जिराया नेरुटो को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यही बात है ना नेरुटो, तुम्हें ये करना ही होगा। और वो बोलते हैं कि नेरुटो तुम्हें अपनी खुद से एक टेक्निक बनानी होगी, तुम्हारी वो सेक्सी जुत्सु बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो यहाँ पर नेरुटो बोलता है कि यस सर मैं ट्रेनिंग करूँगा। और मास्टर जिराया बोलते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो अकात्सुकी रहती है वो बोलते हैं कि हम कितने सालों से यहाँ ऐसी तरह मिलते रह गए। तो वो बोलते हैं कि हमें मिलते मिलते 7 साल हो गए हैं। और वो बोलते हैं कि हमारा जो पुराना दोस्त अकात्सुकी का ओरोचिमारु, वो बोलते हैं कि सासुके उचिहा जो इताची का भाई है उसे ले लिया है और वो उसकी बॉडी में शरिंगन लेने वाला है। तो वो बोलते हैं कि ये सच बात है। तो इताची बोलते हैं कि तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी करे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और हमारे पास 3 साल है तैयार होने के लिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड 136 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नेरुटो नूडल्स खा रहा होता है और वो बोलते हैं कि इतने दिन बाद नूडल्स खा के मुझे तो मज़ा आ गया। और वो छुप कर नूडल्स खा रहा होता है और फिर वो एक और एक नूडल का बॉल मांगता है। तो यहाँ पर शिज़ुने और मेडिकल निंजा रहते हैं और वो नेरुटो को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं पर नेरुटो यहाँ पर किधर भी नहीं दिखता है। तो नेरुटो बोलते हैं कि उन लोगों को नहीं पता कि मेरी दवा यही है और मैं इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक और एक बॉल दे दो। तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही दिनों बाद आ रहे हो नेरुटो। तो वो बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में बंद करके रख दिए थे इसी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। और तभी शिज़ुने और मेडिकल निंजा ये सब खड़े रहकर सुन रहे होते हैं। तो शिज़ुने बोलती है कि मुझे लगा था तुम भाग के किधर ट्रेनिंग कर रहे होगे और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ नूडल्स खा रहे होगे। तो यहाँ पर नेरुटो बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग करने से पहले ताकत जमा करनी पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर नूडल्स खा रहा हूँ। और यहाँ पर शिज़ुने उसके वो बांध कर लेके जा रही होती है और वो नूडल्स के पैसे दे देती है जो नेरुटो खा लेता है। तो यहाँ पर मेडिकल निंजा और नेरुटो को लेकर जा रहे होते हैं। नेरुटो बोलते हैं मुझे छोड़ो, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे बॉल खाने है, मैं इससे बहुत अच्छा फील करूँगा, मैं अच्छा हो गया हूँ, मैंने सोकरा से वादा किया था मैं सासुके को लेकर आऊँगा। और यहाँ पर सोकरा पानी के पास खड़े रहकर सोच रही होती है कि मैं कितनी बुद्धू थी जो नेरुटो के साथ ये सब करे। और वो फिर बारे में सोच रही होती है जब वो रोकर बोलती है कि प्लीज़ नेरुटो तुम ही एक हो जो सासुके को लेकर आ सकते हो। तो वो बोलती है मैंने खाली में नेरुटो के ऊपर ये सब डाल दी प्रेशर और नेरुटो ये सब नहीं कर पाएगा। और वो बोलती है कि नेरुटो ने करके दिखा दिया है। और वो बोलती है कि ये टाइम है जब मैं सासुके के लिए कुछ करूँगी और मैं सासुके को रिटर्न लेके आऊँगी। और यहाँ पर वो अपना बैग पैक कर रही होती है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तभी शिज़ुने बोलती है कि तुम्हें और टाइम है, तुम्हारी हील अभी तक अच्छी नहीं हुई है। तो नेरुटो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हें बहुत टाइम बाकी है। तो तभी ठोकने की आवाज़ आती है और वहाँ से सोकरा आती है। तो सोकरा बोलती है कि नेरुटो तुम इधर हो। और यहाँ पर शिज़ुने बाहर चली जाती है। तो नेरुटो को बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई थी। तो शिज़ुने बोलती है कि तुम ज़रा ध्यान देना कि ये ज़्यादा जाए ना। और वो वहाँ से अभी चले जाती है। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि नेरुटो मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम कैसे हो। तो वो नेरुटो बोलती है तो नेरुटो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर देखने आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ये सब मत करो। तो नेरुटो बोलते हैं मैंने तुम्हें वादा किया था मैं ये वादा पूरा करके रहूँगा। तो सोकरा बोलती है कि नहीं अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती है कि मैं ये खुद से ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोलती है कि मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊँगी। और वो वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और जाने की करती है। तो नेरुटो सोकरा को देखता है और वो बोलता है कि ये आज पहली बार बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही है और ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है ऐसा क्यों। और यहाँ से मास्टर जिराया तभी अचानक से आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो। और वो नेरुटो का फ्रूट खा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हमें अपनी ट्रेनिंग अभी से शुरू करनी होगी। तो यहाँ पर नेरुटो बोलते हैं कि नहीं मैं कब से ट्रेनिंग कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं हर बार भी अभी मिशन पर गया था तो वहाँ पूरी ट्रेनिंग हुई है तो मैं अभी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, मैं मेरी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। तो मास्टर जिराया नीचे देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा दोस्त। और वो सोकरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ चलो जो तुम चाहते हो वो तुम करो। तो यहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं छुपके से और लेडी जुनाटे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं मुझे लगा कि तुम कुछ काम कर रही होगी और मैं तुम्हें चाहता था कि डिस्टर्ब ना करूँ। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों आए। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर एक परमिशन लेके आया हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर 5th होकागे हो इसीलिए। तो यहाँ पर नेरुटो रात में सोच रहा होता है कि आज सोकरा बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जैसा वो दरवाज़ा खोल कर बोल रही थी कि मुझे अभी जाना है, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ देखने आई थी और मैं अभी खुद से सब करना चाहती हूँ। और यहाँ पर नेरुटो बहुत
ज्यादा ताकत लगाता है और सभी रस्सियों को तोड़ देता है और वो बोलता है कि मुझे जाना ही होगा। और यहाँ पर सोकरा अपना बैग पैक करके रात में जा रही होती है और वो जो विलेज का एंट्रेंस रहता है जैसे बाहर जाते हैं वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर सास्के भी यहाँ से विलेज के बाहर चले जाता है और वो बोलती है मुझे यहाँ से जाना ही होगा। तो तभी नारुतो वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ अकेला नहीं यहाँ से नहीं जाओगी, और वो बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो सोकरा बोलती है कि ये सब मैं खुद से करना चाहती हूँ, मैं ये सब अपने सेल्फ से सास्के को लाना चाहती हूँ। तो नारुतो बोलते हैं मैंने कहाँ मना किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम भूल गई कि हम तीन जन एक साथ जाते थे मिशन पे, और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ मिशन पे। और यहाँ नारुतो बोलते हैं मैं पूरे मिशन में तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तभी वहाँ पर मास्टर जिराया आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से लगता बाहर जा रहे हो, वो भी इनलीगल तरीके से, और वो बोलते हैं कि लगता है कि सोकरा अभी तुम्हारा साथ दे रही है क्या नारुतो। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि अगर आप हमें यहाँ पर रोकने आए हो तो मैं आपको यहाँ पर रोक दूंगा, हम लोग जाएंगे आखिर यहाँ से, हम लोग सास्के को लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ी ना रोक रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए ऑफिशियल मैसेज लेके आया हूँ। लेडी जुनाटे ने तुम्हें ऑफिशियल एक मिशन दिया है, मुझे पता चला है कि सास्के साउंड विलेज के अंदर है, तो हम लोगों को जाना है और हम तीन मेंबर की स्क्वाड रहेगी और उस टीम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुम दोनों बच्चे हैं और मैं बड़ा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद नारुतो और सोकरा हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब इस मिशन में मजा आएगा। तो यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो सोचती है कि मैंने लगता गलत कर दी, मुझे नहीं भेजना चाहिए था जिराया के साथ। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं भेजोगी उन दोनों के साथ और ऑफिशियल मिशन नहीं दोगी तो वो दोनों अपनी जान खो देंगे, वो लोग लीव विलेज के शिनोबी है और वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो तुम मिशन दो उन्हें। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि ठीक है मैं मिशन दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उन लोगों को सेफ यहाँ पर लेके आओगे। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों को पूरा सेफ और सुरक्षित यहाँ पर लेके आऊंगा। तो यहाँ पर नारुतो और सोकरा आगे जा रहे होते हैं, तभी सोकरा को ऐसा लगता है कि सास्के उनके साथ अभी भी है। तो वो लोग लैंड ऑफ राइस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नारुतो बोलते हैं कि ये कितनी जगह सुंदर है, ये साउंड विलेज कितना सुंदर है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये साउंड विलेज नहीं है, अभी तो हम सिर्फ राइस लैंड पर पहुंचे हैं और ये साउंड विलेज का कनेक्टिंग पार्ट है, क्योंकि ना जब राइस विलेज था ना तो यहाँ पर ना जब ओरोचिमारू आया था तो उसने यहाँ के जो मेन लीडर था उसका कान भर दिया था और उसको बोला था कि मैं तुम्हारा इतनी मदद करूँगा और उसके पूरी लैंड ले लिया था और वो बोला था कि हम लोग मिलकर राज करेंगे। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि हे गंदे आदमी हम कब तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि गंदे आदमी मत बोलो। तो सोकरा बोलती है ये सच बात है। तो नारुतो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम आगे देखना क्या होगा। तो यहाँ पर मास्टर जिराया हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि राइस विलेज की लड़कियाँ कैसी अच्छी होगी, मुझे तो बस देखना है जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे पहले यही देखना है कि सबसे लड़कियाँ यहाँ पर कौन अच्छी है। तो यहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर सब खंडर और वीरान पड़ा रहता है। तो नारुतो बोलते हैं कि ये क्या, हम तो कोई खंडर जगह पर आए हैं, यहाँ पर तो कोई रेता भी नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं 2 मिनट, और वो सूंघना चालू करते हैं और वो सूंघते हैं और वो बोलते हैं कि हवा में परफ्यूम की खुशबू आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई लड़कियाँ है, और लाओ तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। तो नारुतो बोलते हैं क्या, तो वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे मेरा फ्रॉक मांग रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मिशन के लिए पैसे लगेंगे। तो नारुतो अपने जितने भी पैसे रहते हैं वो सब मास्टर जिराया को दे देते हैं। तो मास्टर जिराया बोलते हैं तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, इतने कम पैसे, और वो नारुतो को पकड़ के हिलाना चालू करते हैं और वो बोलते हैं बाकी के पैसे बताओ कहाँ पर है, तुम्हारे पास इतने कम तो नहीं रहते हैं। और फिर नारुतो के अंग में से जितने गिनते हैं वो सब गिन रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि बस इतने से पैसे हैं तुम्हारे पास। और तभी सोकरा पैसे दे देती है, वो बोलती है कि ये लो मेरी वॉलेट, आपको ये काम आएगी। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि बहुत अच्छे। तो सोकरा को नारुतो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा बैग और ये पकड़ो। तो नारुतो मास्टर जिराया को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप काहे के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर मास्टर जिराया अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लाल आंखों से कोई देख रहा होता है मास्टर जिराया को चारों तरफ से। तो मास्टर जिराया अपनी नाक से इस्तेमाल करते हैं और वो सुनते हैं और बोलते हैं ये रहे परफ्यूम वाली जगह, और वो दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई रहती है और वो बोलती है कि इतने दिनों बाद कोई कस्टमर आया है। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि तुमने क्यों पैसा दे दिया, मुझे पता है कि वो क्या करने वाले हैं, वो जाएंगे और सभी पैसे उड़ा देंगे। तो सोकरा बोलती है वैसे वो करते क्या है, वो पैसे लेके जाके करते क्या है। तो नारुतो बोलते हैं एग्जैक्टली तो मुझे भी ये सब नहीं पता है कि वो करते क्या है, पर वो पैसा लेके जाते हैं और वो लड़कियों के पास जाते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख
लग रही है, तुम कुछ मेरे लिए खाना और पीने का इंतजाम करो। तो वहाँ की जो मैनेजर लेती है वो एक चिट्ठी लाती है और मास्टर जिराया को दिखाती है और वो बोलती है कि खाने से पहले तुम यहाँ का बिल भर दो। तो मास्टर जिराया देखते हैं और वो बोलते हैं कि इतने सारे जीरो, तो बहुत सारे जीरो है। तो वो जो मैनेजर रहती है, जो उसके कमर में घंटी लगी रहती है, वो मैनेजर हंसती है और बोलती है तुम्हें तो ये पैसा देना होगा, और वो घंटी बजाती है। तो वहाँ की जो लड़की रहती है वो दोनों भाग जाती है और मैनेजर यहाँ पर बहुत सारे गुंडे को बुला देती है। तो वो गुंडे बोलते हैं जितने भी पैसे हैं तुम्हारे दे दो। तो मास्टर जी हंसते हुए बोलते हैं और बोलते हैं मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आया था। और यहाँ पर जो छुप कर खड़ा होकर जो नरूटो और सोकरा पे नज़र रख रहा होता है, तो यहाँ पर नरूटो बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तभी बोलती है सोकरा नरूटो, और यहाँ पर कोई कुनाई फेंकता है नरूटो की तरफ और वो ही रहता है जो छुप कर नरूटो और सोकरा को देख रहा होता है। तो नरूटो यहाँ पर जंप मारता है और वो बोलते हैं कि झाड़ियों के पीछे छुपा कौन है, और वो अपनी कुनाई फेंकना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो रहता है वो निंजा भागना शुरू कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो नरूटो उसको पकड़ने की करता है, पर वहाँ पर नरूटो स्मोक, वो जो निंजा रहता है वो नरूटो को उलझाने के लिए स्मोक बम डाल देता है। तो नरूटो बोलता है मैं फिर भी पकड़ूंगा। तो सोकरा रोकती है और नरूटो नीचे देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे कांटे बिछे हुए रहते हैं। और यहाँ पर मास्टर जिराया चिल्लाते हुए आते हैं, वो बोलते हैं नरूटो भागो, हमें बचना है, नरूटो अपनी जान बचाओ। तो और यहाँ पर मास्टर जिराया के पीछे वही गुंडे आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोग पैसा दे के जाओ, तू पैसा दे के जाओ बुढ़े आदमी। और यहाँ पर सोकरा बोलती है कि ये लोग कौन है, तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, ये सभी गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। तो यहाँ पर नरूटो बोलते हैं कि मैं शेडो क्लोन इस्तेमाल करके इन सभी को मार दूंगा, पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, वो बहुत सारे, चलो भागो। और यहाँ पर सभी गार्ड जो गुंडे रहते हैं वो आते रहते हैं और यहाँ पर नरूटो और सोकरा अपना बैग लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 137 स्टार्ट होता है। तो वो जो निंजा रहता है वो भागते हुए एक फॉग में आता है और फॉग के अंदर बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि अभी हम यहाँ पर है और हमें यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और फिर हम साउंड विलेज पर जाएंगे। और तो नरूटो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप कहाँ पर उंगली रख रहे हो, आप वो लड़कियों के लिए, लड़कियों की जगह पर जाने के लिए उंगली रख रहे हो। तो मास्टर जिराया बोलती, सोकरा बोलती है आप ये सब क्यों करते हो, आप मत जाओ यहाँ पर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ऐसी सब जगह पर ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसीलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर नरूटो और सोकरा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं मास्टर जिराया के ऊपर। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं अपनी जान के ऊपर खेल कर जा रहा हूँ और मैं अपनी जान दाव पे लगा कर इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं वो नए टाउन में और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और ये वाला टाउन तो पहले वाले टाउन से भी ज़्यादा बदतर रहता है, यहाँ पर सब जगह लड़ाई और मारपीट चालू रहती है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया खड़े देखकर पोस्टर देख रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कितनी प्यारी है ये। और यहाँ पर सोकरा देखती है कि मास्टर जिराया क्या देख रहे होते हैं। तो तभी मास्टर जिराया नरूटो की तरफ एक पाउच फेंकते हैं और वो बोलते हैं कि ये लो पैसे और इससे खाना ले लो। तो सोकरा बोलती है कि मास्टर जिराया फिर भी थोड़े नरम दिल है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया चले जाते हैं और वो अपने बैग से इतना सारा पैसा निकालते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अब ये पैसा कहाँ पर इस्तेमाल करूँ। और वो लड़कियों को बोलते हैं कि हाय गर्ल्स, तुम कैसे हो, मैं कहाँ पर जाऊँ, और वो जगह ढूंढ रहे होते हैं कि मैं कौन सी जगह पर जाऊँ। तो यहाँ पर नरूटो खा रहा होता है और यहाँ पर सोकरा सोच रही होती है कि सास्के कैसा होगा, और वो नरूटो को बोलती है कि क्या सास्के ठीक होगा, और ओरोचिमारु ने सास्के को कुछ नहीं करा होगा। तो नरूटो बोलते हैं कि मुझे पता है सास्के को कुछ नहीं होने वाला और वो 3 साल तक सेफ रहेगा और हम उसके पहले ही सास्के को बचा लेंगे। तो सोकरा बोलती है नरूटो देखो, और यहाँ पर वही जो निंजा रहता है वो अचानक से आता है और उसको बहुत सारी चोट लगी रहती है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें आखिर ये कौन किया है, और अचानक से वहाँ पर कुनाइफ चलना चालू हो जाती है। तो नरूटो वो निंजा को लेता है और पकड़ के वहाँ से चले जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक निंजा आता है और वो नरूटो और जो निंजा रहती है उसको काट देता है, बीच में से ही काट देता है। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि अब तो इन दोनों का खेल खत्म। और वो कैचे वाला निंजा देखते हैं तो धुआं धुआं होने लगता है और वो सब एक सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन लोगों ने हमें उल्लू बना दिया, वो तो एक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर जो एक और एक निंजा रहता है वो बोलता है कि चाहे वो कितने भी सब्स्टिट्यूशन बना ले वो हमसे भाग नहीं सकते, मेरे जो बच्चे हैं वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। और उसके हाथ में बहुत सारे स्पाइडर्स रहते हैं और वो उसके जाल रहते हैं। तो तभी वो 3 निंजा रहते हैं और एक निंजा जमीन से बाहर आता है और वो बोलते हैं कि वो कितनी भी दूर भाग जाए वो हमसे बच नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ये तीनों निंजा खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ के ओरोचिमारु के पास लेके जाना ही होगा। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम कितनी मोटी हो, तो वो बोलती है कि मैं ऐसी ही हूँ पहले से। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को इससे पता है कि साउंड विलेज किधर है, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि अगर मुझे जो बताएगा मैं उसे पैसा दूंगा साउंड विलेज का रास्ता। तो यहाँ पर जो आगे लड़की बैठी हुई
देती है। वो बोलती है कि जो हमेशा कस्टमर आते हैं वो हमेशा ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, तुम पहले कस्टमर हो। और वो बोलती है मुझे पता है, तो तुम मेरे पीछे चलो तो मैं तुम्हें बताऊंगी साउंड विलेज का रास्ता। और वो लड़की मास्टर जिराया को उसके बाजू में ही किधर लेके आती है रास्ते में, और वो बोलती है कि तुम आगे चलो तो यहाँ पर साउंड विलेज का रास्ता है। तो यहाँ पर जैसे ही मास्टर जिराया आगे जाते हैं तो पीछे से दरवाजे बंद हो जाते हैं, और मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये एक चाल है। और यहाँ पर बहुत सारे आदमी अपने हाथ में कुनाइव और बहुत सारे तीर लेकर खड़े रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या इसके पास सही में पैसा है, तो वो लड़की बोलती है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखी इसके पास बहुत सारा पैसा है। तो उन लोगों का जो बॉस रहता है वो बोलता है तुम्हारा ध्यान किधर है, इसके ऊपर हमला करके जल्दी से ख़त्म करो और इसके पैसे लूट लो। तो वो लोग अचानक से ही अपनी तीर से हमला कर देते हैं मास्टर जिराया के ऊपर, और यहाँ पर मास्टर जिराया अपने जुत्सु की मदद से अपने हेयर को बड़े कर लेते हैं और सभी तीर गिर जाती है। तो उनका जो बॉस रहता है वो बोलता है कि ये एक निंजा है और इसको अच्छे खासे जुत्सु आते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जिराया अपने बालों से सब तीर से बच जाते हैं और वो एक तीर को पकड़ लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी एक निंजा होगे, और फिर वो तीर को बैन करते हैं। तो वो जो बॉस रहते हैं उनका वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी एक निंजा हूँ और मैं फूमा क्लैन का हूँ। और यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि एक निंजा ऐसा नहीं होता है, वो पैसे के लिए ऐसा सब नहीं करता है, वो सब पैसे के लिए गुंडागिरी कभी नहीं करता है, एक निंजा हमेशा निंजा होता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहते हैं उसके बॉस के ऊपर। तो वो जो उनका बॉस रहता है वो बोलते हैं कि चलो देख लेता हूँ, मैं बताते हो अभी तुम्हें कि एक निंजा क्या होता है। और फिर वो अपनी तलवार निकाल के मास्टर जिराया के पास आता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया हंसते हैं और अपनी रसिंगन बनाता है, और यहाँ पर जैसे ही वो बॉस आता है मास्टर जिराया उसको अपना रसिंगन उसके बॉस के पेट पे मार देते हैं, और उसका बॉस जो रहता है वो उड़ते हुए जाता है और वो दीवार से टकरा जाता है। तो यहाँ पर जो बॉस के सिपाही रहते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने हमारे बॉस को ऐसा हाथ कैसे लगाया, अब हमारे बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम देखते जाओ। तो उसके बॉस जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग रुक जाओ। और फिर वो अचानक से ही मास्टर जिराया के पास आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन। और फिर वो मास्टर जिराया के पैर पड़ने लग जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था आप कौन है और आपका नाम जान सकता हूँ। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मेरे पे सभी लड़कियां मरती है और मैं हूँ ली विलेज का ट्री ऑफ द सनी मास्टर जिराया। और फिर वो मास्टर जिराया बोलते हैं, तो जैसे ही वो बोलते हैं मास्टर जिराया तो जो उनका बॉस रहता है वो मास्टर जिराया से डर जाता है और वो बोलते हैं कि तुम लोग माँ जानते नहीं हो तुम किसके सामने खड़े हो, सर झुका के उनके सामने अपना माफ़ी मांगो। तो सभी निंजा रहते हैं वो मास्टर जिराया से माफ़ी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि हमने जो भी किया उसके लिए माफ़ कर दो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि जाने दो अभी ये सब छोड़ दो। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि साउंड विलेज का रास्ता क्या है। तो यहाँ पर जो रहता है वो बोलते हैं कि क्या आप साउंड विलेज का रास्ता जानते हैं, और वो बोलते हैं कि जब से वो यहाँ पर आया सब कुछ तबाह हो गया है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये वो कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हमें तो नाम लेना भी डर लगता है, वो ओरोची मारू है और जब से वो यहाँ पर साउंड विलेज में आया है उसके बाद से पूरी तबाही मचा दिया है। तो यहाँ पर सौकरा बोलती है कि लाओ तुम्हारा जख्म बता दो, मैं उसके ऊपर मलहम लगा देती हूँ। तो तभी नरूडो बोलते हैं कि बता दो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें तुम खाने नहीं वाले, तुम जख्म बता दो। तो वो जो रहता है वो नरूडो को देखते हैं और वो नरूडो को कुछ बताता नहीं है। तो नरूडो बोलते हैं बता भी दो। तो सौकरा बोलती है नरूडो तुम बाहर चले जाओ, और वो नरूडो को उठा के बाहर फेंक देती है। तो यहाँ पर नरूडो बोलते हैं कि मैं बोलती तो सीधे से चले जाता, तुमने ऐसा क्यों किया सौकरा। और फिर वो बोलते हैं कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चले जाके कान लगाता है। तो वो सुनने की करता है, पर उतने में ही सौकरा दीवार से हाथ निकालती है और नरूडो को फेंक देती है पंच मार के, और वो बोलती है कि छुप कर बात मत सुनो हमारी। और फिर वो बोलती है कि अब तुम बताओ। तो तभी वो मांस उतारती है, तो वो एक लड़की रहती है, इसीलिए नरूडो को सौकरा बेचती है नीचे। तो यहाँ पर नरूडो बोलते हैं कि ये क्या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी मकड़ी है, और फिर वो बोलते हैं कि कुछ। तो यहाँ पर सौकरा उसको मलम लगा देती है और वो नरूडो को आवाज़ दे के बुलाती है। तो नरूडो ऊपर आते हैं, वो देखते हैं कि लड़की को, और वो बोलते हैं कि ये इतनी सुंदर लड़की है कौन। और यहाँ पर हमारा नरूडो लाल हो जाता है। तो सौकरा बोलती है कि ये वही निंजा था जो हमारे साथ जो तुमने लेके आया था। तो नरूडो बोलते क्या वो लड़की, तो वो बोलते हैं कि मैंने उसे किसी तरह से कैसा पकड़ा था तुम्हें पता भी है। तो सौकरा उसे पंच मार देती है। तो वो बोलती है कि मेरा नाम सासुके है और मैं फूमा क्लैन की हूँ। तो यहाँ पर नरूडो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाता है और वो बोलते हैं सासु मैं फूमा क्लैन की। वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि
सोकरा उसको पूछती है कि आखिर वो निंजा तुम्हारे पीछे क्यों थे, तो वो बोलती है कि वो सब निंजा ओरोचिमारू के साथ है और वो ओरोचिमारू के लिए काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई को ढूंढने आई थी। तो ये बात नारुतो सुनता है और वो बोलते हैं क्या वो लोग ओरोचिमारू के साथ है, तो वो बोलती है बहुत साल पहले हमारा फूमा क्लैन एक वॉर में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था और उसके बाद हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम कोई भी क्लैन से लड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो बाहर स्पाइडर्स देती है वो आना शुरू कर देती है। तो वो बोलती है कि एक दिन फिर हमारे क्लैन में ओरोचिमारू आया और फिर वो बोला कि जितने भी लोग हैं मैं तुम्हारे क्लैन को अच्छा कर दूंगा, पर तुम्हारे क्लैन के कुछ आदमी लगेंगे मेरे साथ और वो मेरे साथ आएंगे और मैं उनको ताकत दूंगा। तो मेरा भाई जो राशि था वो चले गया था ओरोचिमारू के साथ और फिर उसके बाद से मेरे भाई की कुछ पता नहीं चला और वो मेरा कज़िन भाई था और उसके बाद से नामो निशान नहीं पता चला मेरे भाई का। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलता है कि ओरोचिमारू वो सबके साथ ऐसे ही करता है, वो ऐसे ही है। और फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ सासुके कि मैं तुम्हारे भाई अराशि को लेके आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो सासुके रहती है उसको दर्द होता है, तो सोकरा देखती है उसकी पेट पे एक मकड़ी गिरती है, तो तभी वो लोग ऊपर देखते हैं तो इतनी सारी मकड़ियाँ ऊपर रहती है, तो नारुतो ये देख कर चौंक जाता है कि इतनी सारी मकड़ियाँ है। और फिर अचानक से ही वो बाहर जाके दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पर इतने सारे स्पाइडर वेब्स होते हैं और अचानक से हर जगह से आवाज़ आना शुरू होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी स्पाइडर्स के साथ खा जाऊँगा। तो नारुतो बोलते हैं ये अपनी जुत्सु की मदद से हर जगह से आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है पर मैं अभी इसे नहीं छोड़ने वाला, और वो अपना मल्टी शेडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है। तो नारुतो बोलते हैं कि तुम कहीं पर भी हो बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो निंजा रहता है कटन निंजा उसको बोलते हैं कि ध्यान से देखो उसके क्लोन असली क्लोन है, वो बोलते हैं कि ध्यान से देखो वो तुम्हारे झाले को भी तोड़ दिया, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो तभी यहाँ पर वो तीसरे निंजा को बोलते हैं कि ये काम तुम ही कर सकते हो, तो जो तीसरा निंजा रहता है वो अर्थ निंजा रहता है, तो वो हंसते हुए ना अचानक से गारा की तरह अर्थ को जो सरफेस होता है उसको भवंडर बनाना शुरू कर देता है और नारुतो और घर अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। तो क्या नारुतो बचेगा, तो कमेंट करो। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।